जाइए भाजी नमक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप सब बेहद ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमारे चैनल गौ की सुनीता में। तो सो फ्रेंड, आज हमारे यूट्यूब में जो वीडियो डाली थी, एक दिन दो दिन हो गए, तीन चार दिन हो गए हैं। हाँ, तो प्रवीण एक हमारे निज सब्सक्राइब हैं, प्रवीण पथेकर हैं, वो बोले हैं कि आप अपना आंगन दिखाइएगा, तो आज मैं दिखाऊंगी अपना आंगन। हाँ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ, तो ये यही है हमारे घर का आंगन, दो ठो आंगन है, ये बाहर का आंगन है, एक ठो ये वाला और एक ठो ये वाला। तो आप लोगों को मैं अंदर का भी दिखाती हूँ। देखिए आप आंगन, प्रवीण ने बोले थे कि आंगन दिखाइएगा अपने घर का, उधर चौक है जहाँ भैंसी बांधी हुई हैं। तो उधर साइकिल रखी हुई हैं और कुर्सियाँ रखी हैं। तो चलिए अंदर का भी दिखाते हैं आंगन अपना। हाँ, अंदर का देखिए आप लोग आंगन। इधर हमारी मम्मी ने अलसी बगराई हुई थी धो के, उधर मशीन रखी है। तो देखिए आंगन, बहुत ज़्यादा धूप भी निकली हुई है इतने टाइम, और आंगन में बहुत सारे सामान रखी हुई है। उधर सिलाई वाली मशीन भी रखी हुई है, कपड़ा कुछ सिल रहे थे। और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारे यहाँ का आंगन आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बताइएगा ज़रूर। यही ये तीन ठो हमारे यहाँ आंगन है, दो ठो बाहर साइड हैं दिखा दिए हैं और एक ठो अंदर हैं। और यहाँ पास मम्मी अजवाइन सुखवाई हुई थी, अजवाइन और ये अमला उमला, वो पांच चक बनाने के लिए। देख लीजिए इस टाइप का आंगन है हमारे यहाँ का, हमारे घर का। फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ भाजी खोटने, तो एक दौरी ले लिए हैं, अब जा रहे हैं बगिया साइड जा रहे हैं। तो बगिया में भाजी है, तो सभी की मिक्स में भाजी बनाऊंगी। दाल चावल हमारा पक ही गया है और हमको मम्मी बोली कि भाजी आज बना लो, बहुत ज़्यादा भाजी है सभी की बगिया में। तो अब बगिया हम पहुँच ही गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इधर हमारा भाई पानी चला रहा है बगिया में, बहुत दिनों से पानी नहीं चला हुआ था बगिया में। उधर खेतों में पापा लोग लगाए हुए थे। हाँ हाँ, पानी चला रहा है, आप लोग देखिए। चलिए आप लोगों को मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ सब। इधर पानी लगा हुआ है, इस पहले पीछे का आलू लगाए हुए थे, इधर आगे का लगा हुआ है, तो बहुत बड़े बड़े से दिख रहे हैं, बहुत अच्छी भी लग रही हैं। आप लोग देखिए आलू को, इतने बड़े बड़े हो गए हैं आलू। अब इसको गोड़ दिए हैं और माटी भी चढ़ा दिए हैं। इसमें पानी चला, पहले ही चला दिए थे, तीन दिन हो गए। इधर पानी नहीं चला हुआ था गोभी में और पात गोभी में, लहसुन में, धनिया पत्ती है, सभी है। तो उस समय पानी नहीं चला हुआ था। और मूली ना इतनी बड़ी बड़ी सी पर आई हैं, अभी खाने लायक नहीं है, बहुत पतली पतली सी हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर काली भाजी नहीं, और लाल भाजी लगाई भी हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी सी हो गई है, इसी को आज ले जाएंगे सभ्य। और भथुई है ना, भथुई, लाल भाजी, मूली, ऐसे सभी की मिक्स में भाजी बनाऊंगी, हमको बहुत पसंद आता है सभी की मिक्स भाजी। आप लोग खाते हैं कि नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को पसंद है या नहीं तो बताइएगा ज़रूर। हाँ, तो अब हम स्टाल लिए थे, धूप ही निकल आई है, तो ऐसे हम खोट लेंगे भाजी को। लाल भाजी बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हुए हैं, लगाए थे तो बट गोड़ते वक्त सब चली गई, एक अट्ठो है तो वही तो काम देंगी। इतने समय ना सब्जी हमारे घर में लौकी फल रही हैं और ये भाजी सभी की मिक्स हैं, कांदा रुइया हैं, बट अभी इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है हमारे यहाँ कि रुइया और कांदा की सब्जी बनाने को मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता ना ठंडी में।
जब ठंडी कम रहेगी तो आप किसी दिन बनाएंगे रुइया कांदा की सब्जी। आज हम भाजी बना लेते हैं दाल चावल में। भाजी और चावल हमको बहुत ही पसंद है। कहीं कहीं आलू की थोड़ा बहुत ऐसे जो कोमले कोमले से हैं ना पत्ती, उसको भी ले लेंगे, और मूरी की पत्ते थोड़ा थोड़ा ऐसे सभी की मिक्स बना लेंगे। और पालक भी है, ये पालक है, इकट्ठे पालक भी डाल दिए थे तो इतनी बड़ी बड़ी से हो गई हैं। मूली तो बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं, जहाँ आलू लगाए थे ना तो ये साइड साइड में डाल दिए थे। मूली तो बहुत ही ज़्यादा हैं, आप लोग देखिए ऐसी मूली हैं, पूरे हार ऐसे लगा दिए वो दिए थे ना, इस टाइप की मूली है। वो क्या 10 दिन में ना बहुत ज़्यादा मूली हो जाएंगी हमारे घर में खाने के लिए। लाल भाजी ऐसे खोट लेंगे सभी की थे, जल्दी से खोट लेते हैं। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे काम पड़ जाता है हमको, रीडिंग भी करना होता है और ये ब्लॉगिंग भी करना होता है, घर का काम भी करो। अभी तो मम्मी है, मम्मी जाने वाली है इंदौर 30 तारीख को, 29 या 30 को चली जाएंगी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो भैया लोग वहाँ हैं तो बोल रहे हैं कि आ जाइए तो दवा करवा देते हैं। मम्मी है तो ये बहुत ज़्यादा काम मम्मी ही कर लेती हैं, हमको उतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। खाना बनाओ या अपना रीडिंग करो या ब्लॉगिंग करती हूँ मैं, और मम्मी चली जाएंगी तो बहुत ज़्यादा हमको काम हो जाएगा। बाहर का काम मैं नहीं करती थी, पूरा मम्मी बाहर का काम कर लेती थी, मैं अंदर अंदर का काम करती थी, हो गया। अब मेथी डाल दिए थे इकट्ठो, मेथी भी बहुत अच्छी हैं, इस टाइप की मेथी हैं। तो ऐसे ही पूरा हम भाजी को खोल डालेंगे। उधर चुकंदर है, चुकंदर की थोड़ी बहुत ले लेते हैं। चुकंदर की भाजी भी थोड़ा बहुत सभी की मिक्स भाजी अच्छी लगती है। इधर इस टाइप की चुकंदर लगाए हुए हैं, देखिए आप लोग, चुकंदर ऐसे हैं हमारे खेतों में, पूरा गुड़िया दिए हैं ना, आज बहुत अच्छी हो गई है। अरे यार उखल आई चुकंदर, एक चुकंदर हमसे उखल आई है, अब क्या करें, इसको लगेगी नहीं तो इसको हम इसमें रख लेते हैं। भाजी को इतनी छोटी छोटी भी पड़ी नहीं हुई है, इतनी छोटी छोटी है अभी। और मेथी डाल दिए थे, इस टाइप की मेथी भी है, ऐसे थोड़ी थोड़ी मेथी खोल देंगे, अभी बहुत छोटी है। चुकंदर का पत्ता, ऐसे चुकंदर के पत्ते हैं, चुकंदर के और पालक लगाए हुए थे ना, हाँ तो एक टुपलिया में लगाए, पीछे लगा हुआ है और पहले, और जब इसमें गाजर लगा हुआ है, एक गाजर है तो गाजर अभी गोड़े हुए हैं, उसमें भी बहुत अच्छी धनिया पत्ती है। इतने टाइम हमारे घर में ना बहुत अच्छी धनिया पत्ती है। इतना सारा भाजी खोट चुके हैं, और थोड़ी सी खोल लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। इतना सारा भाजी खोट ही चुकी हैं हूँ, अब इतने भाजी में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 5-6 लोग हैं तो हाँ तो हो ही जाएगा। तो मैं अब जा रही हूँ घर, खोट चुके हैं तो बस अभी घर में यही को जाएंगे तो काटेंगे और भाजी बनाएंगे। बहुत अच्छी भाजी है, आइए आप लोग भी हमारे बगिया से ले जाइए भाजी। अब बस घर पहुंचने ही वाले हैं। मैं इतना सारा भाजी खोट ही चुकी हूँ, अब इतने भाजी में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 5-6 लोग हैं तो हाँ तो हो ही जाएगा। तो मैं अब जा रही हूँ घर, खोट चुके हैं तो बस अभी घर में यही को जाएंगे तो काटेंगे और भाजी बनाएंगे।
बहुत अच्छी भाजी है। आइए आप लोग भी हमारे बगिया से ले जाइए भाजी। अब बस घर पहुंचने ही वाले हैं। अब घर पहुंच चुकी हूं। बहुत अच्छे से भाजी अब इसको हम झाड़ लेंगे और झाड़ झाड़ के अच्छे से काट डालेंगे। अब ले लेते हैं पांजोल, तो हम अच्छे से इसको काट डालते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को मैं भाजी को बहुत अच्छे से काट लिए हैं। अब इसको हम धो डालेंगे। पूरी भाजी जितनी थी ना तो पूरा काट लिए हैं। अब पानी ला लिए हैं तो हम इसमें डाल देंगे, लोटा से बोल लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी को। भाजी धो के ही बनाते हैं, जो कांकड़ होंगे थोड़ी बहुत ना चले जाएंगे। अच्छे से धो लेते हैं इसको, फिर टोकनी में छान देंगे। आप लोग कैसे बनाते हैं हमारे बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। मैं भाजी को धो के टोकनी में छान लिए हैं और इधर मैं लहसुन मिर्ची काट चुके हैं। अब आग लगा लेते हैं चूल्हे में। चूल्हे में आग लगा चुके हैं और तेल भी डाल दिए हैं सरसों का। अब तड़के के लिए हम डालती हूँ धनिया, मेथी डाल दिए हैं। अब डाल देते हैं लहसुन कटी हुई बारीक टुकड़ों में, अब हरी मिर्ची, इसको अच्छे से हम चला देते हैं। अब ब्राउन होने तक इसको हम नून डालेंगे। ब्राउन हो गया है, मैं डाल देती हूँ भाजी को, पूरा भाजी को डाल देते हैं। हाँ, तो भाजी डाल दिए हैं, अब ढक देते हैं एक थाली, तो अच्छे से पक जाएगी। एक बार चला देती हूँ। भाजी कितनी खुशबू आ रही है, ऐसे ही पक जाएगी भाजी। नमक डाल देते हैं, हल्दी तो भाजी में नहीं डालते हैं हम लोग, तो ले लेते हैं अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं भाजी में। नमक डाले हैं, हाँ, तो चला देते हैं भाजी को, फिर से ढक देंगे। तो भाजी बनके तैयार है, अब उतार बहुत अच्छे से पक गई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बताएं। दाल चावल भाजी खाने में मज़ा ही आने वाला है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए भाजी, बहुत स्वादिष्ट बनी है और बहुत हेल्दी है। हाँ, तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसी तरीके से मिलते हैं बहुत ही अच्छे प्लाग के साथ।